हेलो दोस्तों, वेलकम टू नर्जिस किचन। प्लीज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन। आज का हमारा स्पेशल है चिकन बिरयानी, जो कि रेस्टोरेंट स्टाइल वाला है। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान भी है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 3 किलो चिकन को अच्छे से साफ कर लिया है। देखिए, बड़ा बड़ा पीस होना चाहिए चिकन का। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और उसी तरीके से टेस्ट के हिसाब से नमक को भी ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और उसी तरीके से थोड़ा गरम मसाला, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर को भी ऐड करेंगे। इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया को भी ऐड कर लेंगे। इसके अंदर हरी मिर्च को ऐड कर दिया है, थोड़े से टमाटर भी ऐड करेंगे। और जो है मैंने 1 लीटर दही का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। इसको जो है अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 नींबू का इस्तेमाल किया है। नींबू का जूस डाल देंगे इसके अंदर। अब जो है इसके अंदर थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा अजीनोमोटो यानी कि टेस्टिंग सॉल्ट मिक्स करेंगे। वैसे भी टेस्टिंग सॉल्ट का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर हम यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल वाला बना रहे हैं तो थोड़ा सा इस्तेमाल कर लिया है। अब जो है प्याज को डीप फ्राई कर लेंगे और आधे प्याज को बाजू में निकाल लेंगे। इसके अंदर जो है डीप फ्राई किया हुआ प्याज और ऑयल को ऐड कर देंगे और इसे फौरन ही ढक देंगे। मैंने यहाँ पे थोड़े से खसखस, सौंफ, इलायची, लौंग, बिरयानी पत्ता और दालचीनी को ले लिया। इसको जो है थोड़ा खरखरा ही ग्राइंड करना है। अब बिरयानी मसाले के अंदर ऐड कर लेंगे थोड़ा सा, थोड़ा सा प्याज के अंदर भी ऐड कर देंगे मसाले को। अब मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा देगची ले लिया है, उसके अंदर थोड़ा सा घी को ऐड कर लिया है और उसी तरीके से थोड़े से पुदीना के पत्ते और थोड़ा सा हरा धनिया और उसी तरीके से सारे बिरयानी के मसाले ऐड कर लिया है। थोड़ा सा नमक को भी ऐड कर लिया, अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा दही को भी ऐड कर देंगे और एक बॉयल आने देंगे। देखिए बॉयल आ चुका है। अब इसके अंदर आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया है चावल, उसको ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। चावल को जो है 70% ही बनाना है, 70% बन चुके हैं। इसे स्ट्रैंड कर लेंगे। अब हम स्ट्रैंड किया हुआ चावल को बिरयानी मसाले के अंदर लेयर की तरह बना लेंगे। इसके ऊपर जो है दूध में मिक्स किया हुआ फूड कलर डाल देंगे और थोड़े से तले हुए प्याज को डाल देंगे और उसी तरीके से थोड़े से हरा धनिया और पुदीने को डाल देंगे। इसी तरीके से सारा चावल के जो है हम लेयर्स बना लेंगे। बिरयानी बनने के बाद जो है इसे फौरन ही नहीं खोलना है, इसे 1 घंटे तक दम होने के लिए छोड़ देना है। अब जो है इसके ऊपर जो है घी को ऐड कर लेंगे। इसके चारों ओर ना घी को इसी तरीके से डाल देंगे। बिरयानी में घी का फ्लेवर बहुत ज़्यादा टेस्ट रहेगा, तो इसे आप स्किप ना करें, घी का इस्तेमाल करें। आप इसको ढक देंगे। मैंने यहाँ पे इस तरीके से एक डेक्ची में पानी रख के इसे दम के लिए रख दिया। अब इसको जो है 10 मिनट हाई फ्लेम में, 20 मिनट लो फ्लेम में रख देंगे और इसके बाद दम के लिए भी रख दिया है। देखिए रेडी हो चुका है गर्मा गर्म चिकन बिरयानी। एक बड़े से थाल के अंदर बिरयानी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसको जो है अच्छे से मिक्स करेंगे। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। रेडी हो चुका है गर्मा गर्म रेस्टोरेंट स्टाइल वाला चिकन बिरयानी। बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही आसान भी है, आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। छोटे छोटे टिप्स को फॉलो करने से हमें रेस्टोरेंट स्टाइल वाली बिरयानी मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Please subscribe our channel.